तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है पहला सवाल, एक बार देख लिया जाए क्या कह रहा है। द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन एपी, भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात है और एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, एक है बेटा ट्राइंगल, ठीक है, इसके जो एंगल्स हैं, जो एंगल्स हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, पॉइंट टू बी नोटेड, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है ट्राइंगल के तीनों एंगल, बात समझे। तो एपी के अंदर कितनी टर्म्स हमने सेलेक्ट करनी है, थ्री करनी है, ये चीज यहीं पे नोट डाउन कर लीजिए। द ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट, जो ग्रेटेस्ट एंगल है, जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो ट्वाइस है लीस्ट का, मतलब लीस्ट का मतलब होता है बेटे सबसे छोटा, ठीक है, और ग्रेटेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा एंगल, इस चीज को दिमाग में उठा लेना, ठीक है। तो ये रिलेशन दे दिया और बोला गया फाइंड ऑल द एंगल्स, सभी एंगल्स का आपने पता लगाना है। तो किस तरीके से पता लगाएंगे, वीडियो में बने रहिए और ध्यान से देखते रहिए। देखिए बेटा, थ्री एंगल्स हमने सेलेक्ट करने हैं, या कहें हम थ्री टर्म्स हमने सेलेक्ट करनी है, है ना। थ्री टर्म्स का सिलेक्शन किस तरीके से होता है एपी के अंदर, वो आप समझ लीजिए कि एपी के अंदर तीन टर्म कुछ इस तरीके से ली जाती है। दिस इज फर्स्ट टर्म, ये हो गई सेकेंड, और ये हो गई बेटा थर्ड टर्म। बोलो बात समझ आई, नोट करते रहा करो ध्यान से, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, सेकेंड रिलेशन है बेटा कि ग्रेटेस्ट लिस्ट का ट्वाइस है। अब इसके अंदर ग्रेटेस्ट कौन सा है, ये देखिए ए में से डी माइनस है, फिर ए है, ए में डी प्लस हो रहा है, कहने का मतलब ये वाला हो जाएगा बेटे लिस्ट, ठीक है, और ये हो जाएगा कितना ग्रेटेस्ट, ठीक है। इन तीनों में सबसे बड़ा हो जाएगा ये, सबसे छोटा हो जाएगा ये, और इसको ध्यान में रखते हुए हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो एक चीज और नोट कर लीजिए, द सम ऑफ थ्री एंगल्स, तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है, इतनी बात समझ आती है, ठीक है। तो इन तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं, क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो मुझे बेटा 180 मिल जाना चाहिए, है कि नहीं भाई। तीन एंगल है, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है, इनका सम 180 है, तो इन्हें अगर मैं ऐड करूं तो ये कैंसिल हो गया बेटे, 3a कितना आ गया 180, तो a की वैल्यू बेटे 180 अपॉन 3 मतलब 60 डिग्री हो गई, इतनी बात समझ आती है, ठीक है, क्लियर है। अब क्या है कि एक रिलेशन और है, ग्रेटेस्ट जो है ट्वाइस है लीस्ट का, इससे हम क्या निकालेंगे, इससे हम बेटे d कैलकुलेट करेंगे, क्या कॉमन डिफरेंस हम कैलकुलेट करेंगे। ग्रेटेस्ट कौन सा है, a प्लस d है, तो ये लीजिए a प्लस डी हो गया, और ये कितना है ट्वाइस है लिस्ट का, मतलब a माइनस डी का, किसका, a माइनस डी का, बात समझ आ रही है, ठीक है। अब क्या है, यहां पर देखिए ये हो गया a प्लस डी, ये हो गया 2a माइनस 2a, कहने का मतलब a को उधर ले जाओ तो यहां पर ये रह गया, d को इधर ले आओ तो ये 3d हो गया। a की वैल्यू क्या है बेटा, यहां से हमने निकाली थी 60, यहां पर आप 60 प्लेस कर देना तो 3d आपका 60 है, तो d की वैल्यू बेटे 20 डिग्री है, इतनी बात समझ आती, d कितना है 20 डिग्री हो। अब हमसे बोला गया था कि भाई तीनों एंगल्स बता दीजिए, तीनों एंगल बताने हैं, है ना, तीनों एंगल्स का हमने पता लगाना है। तो बेटा पहला एंगल क्या है, a माइनस डी है, तो यहां पे लिखते जाइए a माइनस डी, फिर a और a प्लस डी, इसे थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो a की वैल्यू कितनी है, यहां पर देख के बोल दो 60 हो गई, d कितना है बेटे 20 है, तो यहां पर बोल दो, तो ये हो गया बेटे 40, फिर ये हो गया 60, और ये हो गया बेटे 60 जमा 20 मतलब 80, ये हमारे तीन एंगल आते हैं, 40 आता है, 60 आता है, और 80 आता है, इज दिस क्लियर, बात समझ आती है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, नोट डाउन करते रहा करो और मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बेहतरीन सवाल पे। क्या है अगला सवाल, देखते हैं एक बार, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करो। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या बोला गया है, द सम ऑफ फोर कंसेक्यूटिव नंबर्स इन एपी इज दिस, क्या है, सम ऑफ फोर कंसेक्यूटिव नंबर्स इन एपी इज दिस, चार नंबर हैं, इनका सम है कि नहीं, और कितना है ये 32 है जी, क्लियर हो गया, कंसेक्यूटिव है मतलब एक के बाद एक है, ठीक है। द सम ऑफ फोर कंसेक्यूटिव नंबर्स इन एपी इज 32 एंड द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म क्या है, कि भाई फर्स्ट और लास्ट का जो प्रोडक्ट है ये, ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं, एंड द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट है, टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मिडिल टर्म्स, कहने का मतलब
सेकंड एंड थर्ड, बात समझे, सेकंड और थर्ड इनके साथ जो प्रोडक्ट है इनका रेशो बेटे 7:15 दे रखा है, 7/15 दे रखा है, ठीक है। फाइंड द नंबर्स, आपसे बोला गया नंबर्स का पता लगाइए। तो ये इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है बेटा क्वेश्चन से, और क्वेश्चन से जो इंफॉर्मेशन है इसी पर हमने काम करना है और बता देने हैं चारों नंबर। वीडियो में बने रहे और ध्यान से देखिएगा क्या है कहानी, ये देखिए। देखो बेटा 4 नंबर है, सम इनका ये है, कहने का मतलब एक बार फिर से देख लें थोड़ा सा सवाल। द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन एपी, ये चारों नंबर बेटा एपी में भी है कि नहीं। तो अगर ये चारों नंबर एपी में है, ये 4 नंबर बेटा एपी के अंदर है, तो सिलेक्शन ऑफ 4 टर्म्स की बारी आ रही है, और 4 टर्म्स के अंदर ये हो गया बेटा इवन, कॉमन डिफरेंस रहेगा 2d का, और फर्स्ट टर्म में से माइनस क्या होगा 3d, ये चीज ध्यान रख लीजिएगा, बहुत काम की बात बता रहा हूं आपको। तो पहली टर्म हो जाएगी बेटा a माइनस 3d, ठीक है, दूसरी टर्म हो जाएगी a माइनस d, तीसरी हो जाएगी a प्लस d, उसके बाद हो जाएगी a प्लस 3d। बोलो बात समझ आई, कितनी बात समझ आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से आपने 4 टर्म्स आपने सेलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है। अब इनका सम आपको दे रखा है कितना, 32 दे रखा है जी। तो बेटा यहाँ पे इनको ऐड कर दो, और ये किसके बराबर है 32 के, इनको आप ऐड करोगे तो ये कैंसिल, ए ए ए ए, मतलब 4 ए आपका 32 है, इतनी बात समझ आ रही है। ए की वैल्यू बेटे 8 आ गई, क्लियर है, ए कितना है 4 से डिवाइड कर देना 32 को, 8 × 32 तो 8 आ गई। तो यहां पर लिख दीजिए कि ए हमारा 8 है जी, बात समझ गए, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, ये थी बेटे हमारी फर्स्ट टर्म, ये थी हमारी लास्ट टर्म, ये थी सेकंड, ये थी थर्ड। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन हम इन्हें प्लेस करते जाएंगे। ए की वैल्यू आ गई ना 8, है कि नहीं, तो ये फर्स्ट टर्म क्या हो गई 8 − 3d हो गई, और लास्ट क्या होगी 8 + 3d हो गई, इतनी बात समझ आती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेकेंड टर्म क्या है a माइनस d है, ये लिख दो a माइनस d, मतलब 8 − d, है कि नहीं। a की वैल्यू आप लिखते जाइए जैसे कि आपने निकाली। थर्ड टर्म क्या है a प्लस d, मतलब 8 + d हो गई, और ये रेशो दे दिया बेटे 7/15 का, इतनी बात समझ आती है, नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब क्या है आप देखिए, अब क्या कहानी है, इसे थोड़ा थोड़ा सॉल्व करेंगे बेटा, थोड़ा थोड़ा सॉल्व। a माइनस b a प्लस b, 8 + 8 = 64 माइनस 3 × 3 = 9 डी स्क्वायर, कौन सी आइडेंटिटी लगी a माइनस b और साथ में a प्लस b, ओवरऑल आता है बेटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हमने लगा दी, और सेम आइडेंटिटी इस तरीके की कंडीशन में नीचे भी सेम आइडेंटिटी है। तो ये क्या बन गया बेटे 64 माइनस डी स्क्वायर बन गया, और ये हो गया बेटे 7/15, बोलो बात समझ आई, क्लियर है, ठीक है। कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, है कि नहीं, ध्यान से देख लीजिए 8 + 8 = 64 = 33, 3 का स्क्वायर, डी का स्क्वायर 9d स्क्वायर। चलिए अब करते हैं इसे बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, चलिए। तो जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये हो गया बेटे 64 माइनस 9d स्क्वायर, और साथ में आ गया बेटे 15, और यहां पर आ गया 7, ये हो गया 64 माइनस डी स्क्वायर, बोलो इतनी बात समझ आ रही है, ठीक है। अब यहां पर इसे मल्टीप्लाई कर लो, 15 − 64 − 15 मल्टीप्लाई 9d स्क्वायर है कि नहीं, और यहां पर क्या हो गया बेटे 7 − 64 − 7d स्क्वायर हो गया, बोलो बात समझ आई, ठीक है। इसको आप इधर ले आइए तो 15 − 7 मल्टीप्लाई 64 आ जाएगा, भाई इसको और इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो जब आप इसको इधर लेके आएंगे तो 15 में से 7 सब्ट्रैक्ट करके 64 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हो गया बेटे 15 − 9d स्क्वायर हो गया, ये पूरी टर्म आप इधर ले आए, और −7d स्क्वायर हो गया, बोलो बात समझ आई, इसे सॉल्व कर लो, 7 × 7 = 14 और 1 = 15, मतलब 8 − 64 आ गया ये, इसे सॉल्व कर लो, थोड़ा सा सीधा मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, है कि नहीं। तो 9 × 5 = 45 4 कैरी, 9 × 1 = 9 = 4 = 13, ये हो गया d² − 7d² बोलो बात समझ आई, इसे और सॉल्व कर लो थोड़ा सा, इसे ऐसे ही रहने दो, 8 × 64 इसको और सॉल्व कर लो, तो 7 8 9 10 11 12 13 14 15 8 हो गया, 2 आ गया,
और एक आ गया और ये डी स्क्वायर हो गया। बात समझे? अब डी की वैल्यू क्या होगी, डी की वैल्यू क्या होगी बताओ? डी की वैल्यू होगी, यहां से अगर आप निकाल लेते हैं तो, यहां से अगर आप निकालते हैं तो 8 × 64 है और अपॉन में 128 है और ये बेटा डी स्क्वायर की वैल्यू है। बोले बात समझो, सॉल्व कर लेते हैं जरा इसको। तो 128 है, 8 × 1 = 8, 4 × 8 = 6, 16 × 4। कहने का मतलब डी स्क्वायर जो आपका आ रहा है वो आपका प्लस माइनस 2 आ रहा है, क्योंकि डी स्क्वायर 4 के बराबर है, तो जब आप इसका हटाएंगे स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 2। अब देखिए आपसे पूछा क्या गया था, एक बार देख लें, हमसे a की वैल्यू 8 थी और हमने चार टर्म सेलेक्ट करी थी, है ना? तो a की वैल्यू 8 है, बस इतना ही हमें चाहिए। तो पहली टर्म थी बेटे a − 3d, फिर थी a − d, फिर थी a + d और फिर थी a + 3d। बात समझ गए? अब इसके अकॉर्डिंग देखते जाइए, a की वैल्यू 8 है और d हमने यहां पर ले लिया प्लस 2 का ले लिया, है ना, प्लस 2 ले लिया। तो 8 − 3 × 2, 3 × 2 = 6, तो ये 2 आ गया। इसे सॉल्व करोगे तो 8 − 2, ये आ गया बेटे 6। इसे सॉल्व करोगे तो 8 + 2, ये आ गया बेटे आपका 10, ठीक है। इसे सॉल्व करोगे तो 8 + 2 = 3, 6, ठीक है, 8 × 6 = 14। बात समझे? तो 2 जमा आपका डी की वैल्यू आपकी प्लस 2 आई ना, हाँ, तो बस आपने इसमें प्लेस कर दिया। तो आपके जो चार टर्म्स आती हैं बेटा वो आती है 2, 6, 10 और 14। बात समझ गए? ठीक है, एक बार अगर आप माइनस 2 ले लें यहाँ पे, एक बार आप देखो यहाँ पर आपका प्लस 2 आ रहा है और एक बार माइनस 2 आ रहा है, तो एक बार माइनस 2 अगर हम ले लें तो क्या बनता है वो भी देख लेते हैं। ये देखिए सेम टर्म्स रहेंगी, ए आपने ले लिया 8 और डी आपने ले लिया माइनस 2, क्लियर है? तो a − 3d, ये क्या बन जाएगा, a की वैल्यू 8 लगा दीजिए, −3 × −2, कहने का मतलब 8 − 3 और तो ये आ गई बेटा 40। फिर क्या है, a − d है, a की वैल्यू 8 −2, कहने का मतलब ये आ गया बेटे 10। मतलब यही सीरीज आपकी रिवर्स हो रही है। तो 14 10, उसके बाद आ जाएगा बेटे 6 और उसके बाद आ जाएगा 2। बात समझे? तो इस तरीके से सिंप्लीफाई वे में क्वेश्चंस को समझना है। बात समझे? तो इस तरीके क्वेश्चंस आ भी सकते हैं, नो डाउट। एग्जामिनर आपका कोई रिश्तेदार तो है नहीं कि आपके अकॉर्डिंग पेपर बनाएगा, है कि नहीं? तो इस तरीके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो बी रेडी फॉर ईच एंड एवरीथिंग और मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है कहानी नेक्स्ट सवाल की, देखते हैं और समझते हैं। ये देख, सम ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। अब बेटे सवाल थोड़े से बदलेंगे और आपसे बोला गया फाइंड द, ये लीजिए, अब हम करेंगे सम की बात। किसकी बात? सम ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। भाई अब हमें सम की बात करनी है कि अगर हमें कुछ टर्म्स दी जा रही हैं, है ना, अगर हमें कुछ टर्म्स दी जा रही हैं, कुछ टर्म्स हमें दी जा रही हैं, तो इनका हम सम किस तरीके से निकालेंगे। जैसे कि हम nth टर्म निकाला करते थे, जैसे कि an क्या होता था, a + n − 1 d होता था, ये एक जनरल फॉर्मूला होता था, है कि नहीं? ऐसी अगर हमें लास्ट से निकालनी है तो an हो जाता था l − n − 1 d, है कि नहीं? तो कुछ फॉर्मूलेस थे। इन द सेम वे जब हमसे पूछा गया है कि बेटा सम निकालना है, तो सम का भी एक फॉर्मूला होता है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। ये होता है कितनी टर्म्स का आप सम निकालना चाह रहे हो, उसे तो ले लो n। कहने का मतलब अगर आपसे कोई सीरीज दे दी गई और बोला गया कि भाई 10 टर्म्स का सम निकाल दो, 12 टर्म्स का सम निकाल दो, तो किस तरीके से निकालोगे? वो होता है बेटे n/2 2a + n − 1 · d। बोलो बात समझ आई? क्या है फॉर्मूला? ये एक फॉर्मूला है n/2 2a + n − 1 d, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म, a फर्स्ट टर्म है, ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म है, ठीक है, और d क्या है आपका, ये होता है कॉमन डिफरेंस। इतनी बात समझ आती है? इतनी बात अगर समझ आती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। छोटा सा फॉर्मूला है, इसकी हेल्प से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखते हैं पहला सवाल। इसे हटाते हैं, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा और अब लेते हैं आगे
क्वेश्चंस, क्योंकि विदाउट क्वेश्चंस मैथ्स के अंदर बेटे कितने ही फॉर्मूले आप याद कर लो, फॉर्मूले का एप्लीकेशन आना चाहिए। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पार्ट इसका क्या कह रहा है कि भाई 50 है, 46 है, 42 है, अप टू 10 टर्म्स। कहने का मतलब क्या है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसकी स्टार्टिंग 56 से हो रही है, फिर 46 है, फिर आपका सॉरी 56 नहीं, सबसे पहले आपका 50 है, सबसे पहले आपका 50 हो गया है ना, फिर उसके बाद बेटा 46 हो गया, फिर 42 हो गया, और ऐसे ही 10 टर्म्स, कितनी टर्म्स तक का आपने निकालना है। क्या निकालना है, सम निकालना है। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई सम निकालना, बिल्कुल निकालेंगे। अब देखिए हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले तो ए पता होना चाहिए, 50 है मेंशन। ठीक है, फिर क्या है, हमें डी पता होना चाहिए, तो डी भी निकाल लीजिए, 46 माइनस 50 कर देना तो बेटे आपका आ जाता है -4, ये कॉमन डिफरेंस आ गया। नंबर ऑफ टर्म्स बेटे आपको 10 दी गई हैं, एन की वैल्यू आपने 10 लगा देनी। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला क्या है एक बार मैं आपको बता दूं फिर से, सम ऑफ 10 टर्म्स। अब इसके अंदर 10 टर्म्स का सम पूछा है तो एस एन होता है, वैसे ही आप एस 10 लिख देंगे। चलिए एक बार फिर से फॉर्मूला देख लीजिए, एस एन क्या होता है, ये होता है सम ऑफ एन टर्म्स, और ये होता है बेटा एन बाई टू 2a प्लस में n माइनस 1 साथ में d और ब्रैकेट क्लोज। इज दिस क्लियर, इसमें प्लेस करनी है आपने वैल्यूज। अब देखिए s n मतलब क्या है, 10 है, ये लीजिए s 10 उठा लिया, ये हो गया 10 by 2 है ना, twice of a, a कितना है बेटा 50 है, ये लीजिए 50, n कितना है 10 है, 10 माइनस 1 हो गया, d कितना है बेटा -4 है, ये -4 हो गया। बस इसे सॉल्व करना है, सारा सब कुछ रेडी है, बस फॉर्मूले में लगाना है। ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स का बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, बस आपको टर्म्स याद होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये कुछ इस तरीके का रहने वाला है बेटे, ये देखिए एस 10 ये बन गया 5। ठीक है, यहां से 50 दो 100 हो गया बेटे, प्लस में ये 9 हो गया, और यहां पर -4 हो गया, और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। नोट डाउन करते चला करो, बहुत बेस्ट तरीका बता रहा हूं, वीडियो से बढ़िया कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए S10 यहां से बेटे 5 हो गया, ये हो गया बेटे 100, 9 4 36, -36 हो गया, है कि नहीं, सिंपल मैथ्स है। 5 100 में से 36, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया आपका 6। ठीक है, इसे आप मल्टीप्लाई कर दो, 64 मल्टीप्लाई 5 है, 5 4 20, 2 6 5 30, 2 32, 3 2 0 है ना, तो ये आपका आ जाता है बेटा फाइनल आंसर। गेटिंग माय पॉइंट, किस तरीके से सॉल्व होगा, क्लियर हुआ फंडा? तो इसी तरीके से क्वेश्चंस चलाने हैं, आई होप बात समझ आई होगी। ठीक है, तो आगे का जो भी हम सीखेंगे वो सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।